तो गाइज आज हम ये हिंदी ऑप्शनल यानी कि हिंदी साहित्य का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि दृष्टि से परचेज किया था। और इसकी प्राइजिंग 45,000 के आसपास है, 45 से 40। मतलब मेरा एक दोस्त है जो कि उसमें कोचिंग लेता है और उसका हिंदी ऑप्शनल जो है स्टार्ट हो गया है, तो कोचिंग वालों ने ये उसको दिया है। तो अनबॉक्सिंग बोला कि भैया कर दो, तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। देखते हैं इसमें कितने बुक्स वगैरह हैं और दृष्टि के कितने बुकलेट वगैरह हैं, तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस ये देखिए, हिंदी साहित्य, ये आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा शायद। हाँ, उल्टा ही दिख रहा है, ये हिंदी साहित्य लिखा है। और बाकी मैं बैक कैमरे से करके दिखाता हूँ आप लोग। तो गाइस ये देखिए, हिंदी साहित्य मेरे दोस्त का है, ऑप्शनल, मेरा भी ऑप्शनल यही है हिंदी साहित्य। और हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट है भाई ऑप्शनल हिंदी साहित्य। विकास दुबे की टीचर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य। और अगर आप ऑप्शनल परचेज करेंगे तो आपको 40 से 45 के बीच में पड़ जाएगा ऑप्शनल। और मेरे दोस्त को ये उन्होंने ये बुक दिया है, उसमें पूरा मतलब दृष्टि में एडमिशन दे रखा है, फिर उसका हिंदी साहित्य का बैच स्टार्ट हो गया है। तो ये उसको बुकलेट वगैरह दिया है दृष्टि वालों ने, तो आज उसकी अनबॉक्सिंग हमने करी है। ये देखिए, और आगे दिखाता हूँ कितने बुक वगैरह हैं। तो ये जो है, ये बुक जो है आप देखिए, महाभोज, ये मनु भंडारी जी का है एक। और ये दूसरी है कुरुक्षेत्र, जिनकी ये दिनकर जी की बुक है। और ये चौथी जो है दिव्या है, यशपाल जी का दिव्य, ठीक है। उसके प्रेमचंद्र जी का ये प्रेम मंजूषा, ठीक है। कितने हो गए? चार। और ये फिर गोदान आ गया, जो कि प्रेमचंद जी का ही है ये दूसरी बुक। और ये चिंतामणि भाग एक। उसके बाद ये आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। इसको मोहन राकेश में दिखाई है। और उसके बाद ये कामायनी, ठीक। उसके बाद ये निबंध निलय, ये देखिए निबंध निलय। उसके बाद ये स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद दिखाई। उसके बाद आपको ये मैला आंचल देखिए, ये मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है ये। और उसके बाद ये भारत भारती, ये देखिए भारत भारती। और श्री मैथिली शरणगुप्त जी का ये। उसके बाद जो है ये भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये, ठीक है। उसके बाद ये एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव जी का, ठीक है। उसके बाद ये दृष्टि वालों को अपना ये नोट्स है हिंदी साहित्य का, आप नोट्स ये देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश जो UPPCS वगैरह होता है ये उसकी है, आप देखिए ये, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी साहित्य क्लास नोट्स, जो कि ये बिहार स्पेशल है, आप ये देखिए, जो BPSC वगैरह है उसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है, हाँ
ये हिंदी साहित्य क्लास नोट्स जो कि पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का, ये देखिए आप, ठीक है। वो बैकग्राउंड से थोड़ी नमशा रही है, एडजस्ट कर लेना भाई साहब। और ये हिंदी साहित्य जो है ये भाग चार व्याकरण खंड, ये देखिए, हिंदी साहित्य क्लास नोट भाग थ्री, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद हिंदी साहित्य ये भाग थ्री है क्लास नोट, ठीक है, ये हिंदी साहित्य भाग एक, मतलब इसमें तो हमारी ये क्लास नोट्स हो गए, ये चार, ये चार, एक और ये दो और ये तीन, ठीक है, और ये सॉरी ये तीन और ये हो गया हमारा चार, ठीक है गाइस। तो ये चार तो हमारे क्लास नोट्स हो गए, और बाकी जो ये हैं ये प्रश्न वगैरह उनसे जो गए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न वगैरह हैं, और बाकी ये जो है ये हमारा यूपी टीसीएस वगैरह का है और ये हमारा बीआरटीसीएस का, ठीक है गाइस। तो हमारे चार हो गए क्लास नोट्स, बाकी ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार के लिए स्पेशल, और बाकी हमारी ये बुकें होगी। तो हमारी बुकें कितनी है गाइस, तो देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह, यानी चौदह बुकें हैं और प्लस ये चार क्लास नोट्स हैं। अगर आप परचेज करेंगे गाइस तो आपको भी यही देंगे, आप लोगों को भी सेम एज इट इज ये चार ये क्लास नोट्स देंगे और ये चौदह बुकें देंगे, और ये जो दो हैं ये एक बिहार का देंगे उत्तर प्रदेश का और एक ये बिहार, ठीक है, और ये प्रश्न पत्र देंगे, ठीक है गाइस। तो यहीं का वीडियो के एंडिंग करते हैं, बाकी आप लोग को अगर और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बाकी आगे हम वीडियो बनाएंगे।